फ्लॉप्स मूवी का खजाना देने वाले टाइगर श्रॉफ का गनफट का टीजर रिलीज हो चुका है। ये मूवी 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये आने से पहले ही फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि इसकी डायरेक्टर का थला पट्टी विजय से होने वाली है। भाई गनपत अगर बनवानी थी कोई ऐसे कैरेक्टर से बनाते जिससे तुम इसे कम से कम अपना बजट रिकवर कर सकते हो, टाइगर श्रॉफ क्या बनाने जरूरत थी। भाई ये बंदा अपनी हीरोपंती वगैरह की मूवी से ही छुटकारा नहीं मिला, पार्ट तीन तीन चार चार पार्ट बनाता है, तो भाई कहाँ से गनपत का बना सकता है भाई। और इसकी डायरेक्ट टक्कर थलापति विजय से होने वाली, लियो से होने वाली है, कैसे कैसे ये टिक सकती है मार्केट में। थलापति विजय की परफेक्ट ऑडियंस है। मुझे तो लगती है मूवी भी नॉर्मल मूवी जैसे फ्लॉप हो जाएगी, जैसे कि 2021 में हो रहा था, 2022 में हो रहा था। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी रीज़न है भाई। देखो थलापति विजय की लियो मूवी जो कि 19 अक्टूबर को रिलीज होगी, और जो गणपत है वो 20 अक्टूबर को रिलीज होगी दशहरे वाले दिन में। तो भाई नॉर्मल क्या होगा, लोग थलापति विजय की मूवी देखने जाएंगे, तो भाई उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा उन पर बिलीव करती है, और ये ही बात गनपत के फेवर में बिल्कुल नहीं आती है। भाई लोग परेशान हो चुके हैं हीरोपंती वगैरह देख देख कर। भाई इसलिए मुझे लगता है ना कि इन्हें गनपत में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी। और ऊपर से इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि फ्यूचर में जाकर ये लड़ाई होगी, फ्यूचर में ऑब्वियसली क्या होता है क्या नहीं होता, पास से फ्यूचर की तरफ जाएंगे ज़्यादा। मुझे तो पहले ही पता है कि भाई ये हॉलीवुड की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल हाँ आप कर सकते हो, बॉलीवुड वाले हॉलीवुड की कॉपी करते हैं, ये बात कहने में जितनी कड़वी लगती है सुनने में उतनी ही सही है, क्योंकि नॉर्मल हम कॉपी कर रहे हैं, वैसे हम साउथ की कॉपी रीमेक्स पे रीमेक्स लगाए जा रहे हो, फ्लॉप पे फ्लॉप मूवी हो जा रही, फिर भी ये कॉपी कर रहे हैं। मुझे लगा ऑफ लिख के ले लो, ये मूवी टिकेगी नहीं भाई, फ्लॉप हो जाएगी। थलापति विजय और टाइगर श्रॉफ में कंपैरिजन नहीं है, थलापति ऑब्वियसली जीत जाते हैं। अगर आपको